सो हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन। तो अच्छा, हम आज हमारा सेकेंड लेक्चर है किसका, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर का, क्योंकि पावर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसलिए मैंने वर्क एनर्जी पावर बोला मैंने, ठीक है। अच्छा बच्चा, एक बात बताओ, कैसा लग रहा है क्लास? और अच्छा लग रहा है तो भाई सबसे पहले तो आप लाइक करो, फिर अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को खूब शेयर करो, और लोगों को बताओ, लोगों को ये बताओ कि भाई रेगुलर डेली अब एक वीडियो इस पर अपलोड हो रहा है। डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, कोई दिन किसी भी दिन भी गैप नहीं आ रहा। एक आध दिन बीच में गैप आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज आई एम अपलोडिंग द डेली वीडियोज विथ रेगुलर लेक्चर के हिसाब से। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या फ्रिक्शन ख़त्म किया, फ्रिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी, इसके बाद सर्कुलर मोशन चलेंगे। हमने फैसला किया था कि पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे क्या, सर्कुलर मोशन। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने किया था कि वर्क किसे कहते हैं, वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स के बारे में मैंने जाना था, उसका कॉन्सेप्ट सीखा था कैसे होता है। तो हमने देखा था कि वर्क डन इक्वल टू क्या हमारे पास होता था, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस होता था ऐसा, और ये हमारा क्या था, स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे इसको बच्चा लोग, स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा भी लाइट वाइट का इशू है रहे तो मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि लाइट का इशू है कि नहीं है। देखो अभी एक लाइट सामने रखी है, एक लाइट इधर रखी है, एक लाइट ऊपर रखी है, लेकिन फिर भी लाइट का इशू तो रहता ही है। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या जी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यही सिंपल डेफिनेशन तो यही है इसका, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो बच्चा यही हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन जो मैंने कल लास्ट करा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चा, हम करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया था मैंने, क्या दिया था मैंने, होमवर्क में दिया था, और होमवर्क के बाद मैंने बोला था कि मैं इसको आप लोग करके आओगे, अदरवाइज मैं तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो चलो आज हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखो, जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है पहले से ही बोर्ड पर लिखा था ताकि कुछ वक्त बचा सकूँ मैं, ठीक। देखो म्यू एक ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है, और ये 2440 इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, 20 N का फोर्स लग रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस पर डिस्प्लेसमेंट ला रहा है। कितने का डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, सम टाइम टी के बाद क्या होता है, 40 m दूरी पर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। तो पूछ रहा है हमको कि वर्क डन बाई क्या निकालिए, एफ नेट निकालिए। क्यों एफ नेट क्यों पूछा भाई, एफ नेट क्यों पूछा, वर्क डन बाई डायरेक्टली फोर्स क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, और इसका मतलब यह है कि इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये स्मूथ प्लेन तो नहीं है, ठीक। तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसका काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन निकलेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो निकालना होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, मींस कि काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, है ना, एफ इधर लग रहा होगा, और हमारा मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब न्यूटन 20 N, तो दोनों माइनस जब करेंगे तभी तो नेट फोर्स आएगा ना बच्चा, ठीक। तो बच्चा निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन निकाल देते हैं। तो म्यू की वैल्यू 0.4 है, और एन क्या होता है, एम जी यहाँ पर होगा, एम जी, तो एम मास कितना भाई, 4 × g, जी हम 10 लेते हैं, तो ये गया 10, ये 10 से, ठीक। तो क्या बचा भाई, 4 × 4 = 16 N, कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 60 N। क्या 60 N क्या है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमारे पास एक फोर्स और क्या है, 20 N है, तो एफ नेट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, तो एफ नेट हमारे पास होगा भाई, बड़े गौर से देखो कैसे होगा, ऐसे होगा कि 20 − 16 दैट इज 4 N। ये 4 N क्या निकला, ये 4 N निकला एफ नेट, और हमारे पास डी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कितना भाई, 40 m। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो गया, एफ नेट इंटू डी, दैट इज एफ नेट क्या भाई, 4 × d की वैल्यू 40, तो 4 × 160 J। यार कुछ अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हो तो इट विल बी ओके, तुम अपना ठीक कर लेना, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूँ, 0.4 × 4, 4 kg है, 4 × g, तो म्यू एन इक्वल टू एम जी, दैट इज म्यू एम जी होता है ना, म्यू एम जी होता है। तो बच्चा आपने देखा 0.4
पॉइंट हटाया तो 10 नीचे 10 10 कैंसिल, 4 4 जा 16, तो 16 न्यूटन कितना क्या लग रहा भाई, फ्रिक्शन लग रहा है इस पर 16 न्यूटन पीछे की ओर, पीछे की तरफ, और वो 20 न्यूटन क्या लग रहा है हमारा, आगे की तरफ क्या लग रहा है हमारा, फोर्स लग रहा है। तो ये हमको आ गया टोटल 4, और 20 न्यूटन तो 20 माइनस 16 दैट इज 4 न्यूटन से ये पुल कर रहा है। तो इसी न्यूटन इसी फोर्स की वजह से हमने क्या पूछा था, वर्क पूछा था, तो हमने यहाँ आपको निकाल दिया क्या एविडेंट डी, डी की वैल्यू 40 मीटर है और 4×16 160, तो इतना जूल आंसर आ गया। ओके, तो अब दूसरा प्रॉब्लम और है इसमें, एक प्रॉब्लम और मैं कर देता हूँ, फटाफट करते चलते प्रॉब्लम सबको उसके बाद, ताकि आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। एक बार मैं देख लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक मिनट, यस चल रहा है। यार बड़ी दिक्कत होती है आज, और ये अचानक से बंद हो जाता है अपने आप चलते चलते, पता नहीं क्या बात है ना। तो प्रॉब्लम देखो, अब एक और प्रॉब्लम देखो, आसान सा प्रॉब्लम ये है कि ये एक 2 kg का ब्लॉक है बच्चा, ये क्या है 2 kg का ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स F लग रहा है, ठीक, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, या ऐसा समझ लो कि एक ब्लॉक है जिसको आप ऐसे खींच रहे हो पुल्ली के सहारे, ठीक। अब वो बाकी चीज़ें को रिमूव कर दो, सब कुछ रिमूव कर दो, और इस फोर्स को पुल्ली से उठता हुआ आप क्या बोलो, इस फोर्स के जरिए, तो अगर ये रस्सी लगा हुआ होगा तो टेंशन की तरह काम कर सकता ही है ना। तो हम क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सवाल हमारा यह है कि इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय दैट फोर्स, आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली है, इसमें एक्सीलेशन दिया हुआ है, 2 m/s², ठीक है। अब बोल रहे हैं आप निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे बच्चा, बहुत ही सिंपल आसान सा सवाल है ये। आपको पहला तो नेट फोर्स निकालना होगा, ठीक। नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको FBD आपने पढ़ा है, हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का 15 लेक्चर में डिटेल्ड मैंने 15 लेक्चर बनाए न्यूमेरिकल के साथ, उसमें आप उसको देख सकते हो। तो हमारे पास ये F है और ये हमारा MG है, ठीक। तो F माइनस MG इक्वल टू MA। अब क्या है भाई, तो F इक्वल टू M इंटू G प्लस A। तो आप M की वैल्यू क्या है हमारी, 2 kg, G की वैल्यू 10, 2, तो कितना हो गया भाई, 24 न्यूटन। ये कितना आ गया भाई, हमारे पास फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन आ गई, ठीक। अब एक चीज़ और देखो, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये लिख देता हूँ मैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, बहुत ही आसान सवाल मैं कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए वर्क पावर, वर्क एनर्जी इन पावर के अंदर में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर आपका दिमाग काम करने लगे, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, अब इसको देखो कि मैं अगर आपसे एक चीज़ और बोल दूँ यहाँ पे क्या बोलूँ मैं कि S=UT + ½ AT², हाँ क्वेश्चन अधूरा रह गया, नहीं तो आप तो बना लेते ना अगर क्वेश्चन पूरा होता। तो वर्क डन, क्वेश्चन तो लिख दूँ मैं, सवाल क्या है, वर्क डन बाय F और T, जो भी तुम समझो, F और T इन 2 सेकेंड टाइम दे दिया इसने, ठीक है। 2 सेकेंड में इसको क्या करना है, निकालना है, चलो ठीक है। तो S=UT+, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म जीरो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, यू जीरो है, ठीक। तो S=½ AT² ½ A × A की वैल्यू कितनी भाई, 2 × T, तो 2² दैट इज 2 कैंसिल, दिस 4 m आंसर आ गया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका क्या निकल गया, इसको ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था तो चलिए इसे बना दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो S=4 m आ गया। तो अब वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 × 4 क्या हो गया, जो भी हो जाए, जितना भी आंसर आ जाए, 20×80 × 4×16 = 96 joule आंसर आ गया। ओके, क्लियर है, बहुत अच्छे से पप तब बजाओ ताली, फिर लगाओ अंगूठा और लगाओ सबको बताओ, ठीक है। हाँ।
चलो जी, तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। इसी पर बेस एक प्रॉब्लम और हम करते हैं, जहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, बहुत ही आसान सा, आसान सा प्रॉब्लम मैं करके आपको दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी आसान प्रॉब्लम किया था। एक देखो, एक फ्रेम है या लिफ्ट है, जो भी समझो इसको, एक लिफ्ट है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और ये वेलोसिटी वी है, और दिस इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो भी कहना है कर दो, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि इसमें जो, इसके में जो फोर्स वोर्स लग रहा है, उसकी वजह से आप, तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, उस दोनों फोर्स की वजह से क्या निकालना है आपको, वर्क डन निकालना है। एक तो हमारा लग रहा है यहाँ पर N, और दूसरा लग रहा है हमारा Mg, ठीक है। क्या लग रहा है भाई, वर्क डन, इन दोनों फोर्स की वजह से निकालना। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने लिया है। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम और आता है कुछ ऐसा करके, एक ब्लॉक बना दो, उस पर इस ब्लॉक को रख दो और बोलो फ्रिक्शन, फिर वो एम जी साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट आता है। चलो उसको करेंगे फिर, तुम कर लेना होमवर्क में, ठीक। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, मज़ा आया ना, हाँ ठीक है। देखो कैसे करते हैं, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखो, एक चीज़ याद रखो कि वाइल कैलकुलेटिंग वर्क डन, यू मस्ट आइडेंटिफाई द फोर्स बाय विच यू आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन, क्लियर। मीन्स कि वो उस फोर्स को चिन्हित करो, उस फोर्स को आइडेंटिफाई करो जिस फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें दो फोर्स नज़र आ रहा है, एक एम जी और एक, तो इसमें देखो हम एक काम करते हैं, इस पूरे फ्रेम के अंदर में बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो टी टाइम में, हाँ टी टाइम में आपको ए वेलोसिटी और वर्क डन इन टी टाइम निकालना है। वर्क डन लिख लो, ये भी लिख ही देते हैं, वर्क डन इन टी टाइम, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि हम नॉर्मली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ चल रही होती है तो हम देखते हैं, एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी जो बाहर में बैठा हुआ इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा होगा, डांस कर रहा होगा, देख रहा होगा, ठीक है। इस ऑब्जर्वर का नाम देते हैं ए, ठीक। और दूसरा ऑब्जर्वर अंदर में बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर में जो देख रहा है, इसका नाम देते हैं बी। क्या ये बी, तो ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस में अगर इसको देखोगे तो दोनों में अलग अलग आपको क्या आएगा, वर्क डन आएगा, ठीक। इसकी नजर में तो ये लिफ्ट चल रहा है, चल पहले एक सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ऑब्जर्वर ए, फ्रॉम ऑब्जर्वर ए, तो ये कोई टफ बात नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत ही आसान बात बता रहा हूं। आप यहां पर बैठे हुए देख रहे हो, ये जा रहा, बस इतना ही समझ लो आप। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी, सिंपल सिंपल डी वी इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके जरिए एन वर्क डन बाय नॉर्मल निकाल दो, वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स, तो इसमें क्या होगा, एन नॉर्मल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, वी टी, खत्म। अब वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज एम जी वेलोसिटी इनटू टी। अब ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी एम जी वी टी होगा तो ये माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि एम जी वी टी कॉस 180 डिग्री, ठीक है, निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और हमारा फोर्स नीचे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एम जी यूटी कर देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा फोर्स इंटू डी कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक।
ये तो हो गया ऑब्जर्वर ए के रेफरेंस में, ठीक। अब अगर ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस में देखा जाए, सिंपली देखोगे यहां पर, अगर ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में देखोगे तो आप वर्क डन बाई नॉर्मल कितना और वर्क डन बाई जी कितना, देखो गौर से देखो इस शैतानी चेहरे को, ये शैतान इसको देख रहा है तो इसकी नज़र में लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन इसकी नज़र में इस ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? इस ब्लॉक में कोई मूवमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल देखो या वर्क डन बाई जी देखो, दोनों जीरो होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो वर्क डन, वर्क इज, अच्छे से याद कर लेना इसको, अच्छे से याद कर लेना कि वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट मीन्स अगर कहीं और से देखो तो जीरो हो रहा है, अंदर में बैठ के देखो तो जीरो हो रहा है, बाहर बैठ के देखो तो कुछ वैल्यू आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। अब आते हैं हम लोग थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम पे, जो हम लोगों ने कल होमवर्क आपको दिया था, ठीक है। क्या दिया था? मैंने होमवर्क दिया था, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो जी, अब देखो, अब क्या करें भाई, अब एक प्रॉब्लम और है। चलो छोटे छोटे प्रॉब्लम देखते चलते हैं। इस प्रॉब्लम से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो ये एक ब्लॉक है, बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्या ये एक ब्लॉक है? इस ब्लॉक को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, एफ एक्सटर्नल, ठीक। और इसको क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करके यहां पहुंचा दे रहा है, ठीक। अब यहां जब पहुंचा दिया है इस ब्लॉक को, इसकी वैल्यू मास m है, इसका मास m है, ठीक। डिस्टेंस जो इसने किया है वो s डिस्टेंस है। क्या है हमारा? s डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? s डिस्टेंस है बच्चा। बच्चा लो बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। सारे प्रॉब्लम आपके वर्क पावर एनर्जी के, वर्क एनर्जी पावर के बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे एक से एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, सुपर डुपर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको, तो दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल, फिर कुछ दो तीन प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सारे किसी भी शीट, कहीं का भी शीट उठा लो, कोटा की किसी भी कोचिंग शीट उठा लो, बन जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब एक चीज और देखो, मैंने इसका एंगल थीटा लिया है, ठीक। अब कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कई फोर्स लग रहा है, इसके म्यू की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय क्या, एफ एक्सटर्नल, ठीक ठीक। चलो जी, तो अब कैसे करें, कैसे करें भाई, ये तो मजेदार कहानी आ गई। देखो कीड़ा लोग, हर जगह कीड़े मौजूद हैं। इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैं एमजी के द्वारा वर्क डन बाय एमजी कर देता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको निकाल लेते साथ साथ, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे भाई? इसने क्या दूरी तय की, एस। फोर्स क्या है? कांस्टेंट mg, और mg फोर्स कौन सा लग रहा है? यहां mg। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, mg यहां है, मींस कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज s, ठीक, और यहां mg। तो आप एक चीज देखो, ये थीटा है, इसका एंगल मैंने फाई मान लिया, कि एंगल तो देना है, एंगल तो निकालना है। जब एंगल निकालना है, ये एमजी है, ये एस है, ठीक। तो सिंपल जो फार्मूला है हमारा, उससे आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे भाई? तो इस एमजी का उस पर क्या ले लो, डायरेक्शन ले लो, जैसे हम लोग कैसे कैसे करते थे, हम लोग करते थे, अगर ये एफ है तो ये थीटा है तो एफ कॉस थीटा करते थे।
तो एम जी कॉस फाइव मीन्स 90 प्लस फाइव हो जाएगा, देख लो ये कितना है हमारा 90, देखो कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी फोर्स है, एम जी कॉस फाइव, एम जी कॉस फाइव इंटू एस, यही तो होगा एम जी कॉस फाइव, एम जी कॉस फाइव इंटू एस। तो एम जी कॉस फाइव इसको आप लिख सकते हो एम जी कॉस 90 प्लस थीटा इंटू एस, है ना। तो ये हो सकता है, ये कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस, तो वर्क डन बाई जी, डब्लू जी जो अगर लिखोगे यहाँ लिख दो, तो डब्लू जी जो लिखोगे वो हो जाएगा एम जी एस माइनस एम जी एस साइन एम जी एस एस साइन थीटा। एक काम करो डी कर दो यार, बार बार टेंशन होगा साइन थीटा के चक्कर में, डी कर देते एम जी डी साइन थीटा माइनस, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या हो गया ये वर्क डन बाय, वर्क डन बाय नॉर्मल, कई फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यार कुछ नहीं होना, जीरो होना है, सिंपल। देखो यार दोनों के बीच में थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल फोर्स इधर, नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, देखो ये हमारा है नॉर्मल फोर्स इधर एन, और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल थीटा 90 डिग्री। तो आप जैसे करोगे ना कि एन इंटू एन इंटू एस कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल दो, चलो फ्रिक्शन निकालते हैं, छोटा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बहुत ही आसान है बच्चा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गर्मी पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी परेशानी है बढ़ाने में, हमारे क्लासरूम में एसी नहीं है, दिस इज़ नॉट ए क्लासरूम, दिस इज माय ओन रूम एंड आई डोंट हैव एसी, दैट्स व्हाई, ठीक ओके है ना, ठीक है ना, चलो बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों को शेयर करो यार, और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए आपसे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालने के लिए यही देख लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, ये हमारा एम जी है, ये थीटा है, दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा, मूव किधर कर रहा है इधर, तो फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा, यहीं पर एक चीज़ और कर लेंगे हम लोग एफ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी, म्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इधर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, नेट एक्सटर्नल नेट फोर्स के जरिए नहीं निकालना है, बहुत ही स्लोली स्लोली इसको लेकर गए हैं, ये ध्यान में रहे, ठीक है। अब क्या है भाई, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली फोर्स, फोर्स क्या है भाई, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डी, ठीक, इंटू डी, ये फोर्स है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, उल्टा, फोर्स किधर लग रहा है, उल्टा, फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, थीटा कितना, कॉस 180 डिग्री, यही तो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री, ये समझ में आया कि नहीं आया। वर्क डन बाई क्या होता है, फोर्स डॉट एस, यही तो पढ़ाया मैंने, एफ इंटू डी, तो क्या होगा, फोर्स, फोर्स दिस डॉट प्रोडक्ट डी एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये डब्ल्यू बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी
डी कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपका निकल गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। और नेक्स्ट क्या है, एफ एक्सटर्नल बच गया, एक फोर्थ और बच गया, एक्स एक्सटर्नल निकाल देंगे। चलो निकाली, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो साथ साथ लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और जब ये नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। अरे यार क्या हो रहा है यार, वायर भी हमारा इतना बड़ा है ना, ये बहुत दिक्कत करता है ये। अब देखो क्या करना भाई, यहाँ पे एक चीज़ और लिख दो, क्वेश्चन में यही था कि ब्लॉक मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ब्लॉक मूविंग, एक चीज़ छूट गया था, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, ब्लॉक मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, ये मूविंग फोर्स हमारा जीरो है। ठीक, चलो जी, गर्मी हॉट, अब देखो क्या करते हैं इसको हम लोग। एफ एक्सटर्नल तो आपको मीन्स एफ नेट क्या है, हमारा जीरो है, इसका मतलब यही हुआ कि एफ नेट हमारा क्या है, जीरो है। तो एफ नेट जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि आप जब जरा गौर से देखोगे इसको, ऐसे देखो, यहीं पर देख लो फिर से, कि यहाँ पर जब भी कोई, मान लो इस जगह पे मैंने अभी कंसिडर किया हुआ है, ठीक, तो एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, क्या लग रहा हमारा, एफ एक्सटर्नल, और इधर हमारा एक फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, और एक फोर्स हमारा इधर ही लग रहा है फ्रिक्शन, दैट इज क्या, माइनस म्यू एम जी, सॉरी म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये लग रहा, ये क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा मैं स्मॉल में लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एम जी कॉस थीटा, क्या लग रहा है हमारा, फ्रिक्शन, और एम जी साइन थीटा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू दिस, तो इक्वल टू टोटल जीरो हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, या माइन दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना यार, सिंपल, जैसे हम लोग करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एफ एक्सटर्नल सिंपल कर दो, आपको मालूम है माइनस क्या, इन दोनों को जोड़ दो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, चलो जल्दी करते, इक्वल टू जीरो, नेट फॉर जीरो, एम ए होना चाहिए, एम ए एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एम ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल जो निकल गया वो हो गया, ये पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा बच्चा लो, तो वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल ये जो हमारा हो जाएगा सिंपली एफ एक्सटर्नल इंटू डी, तो क्योंकि थीटा थीटा तो दोनों तरफ जीरो डिग्री है, तो क्या करेंगे हम लोग, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। यार इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, एक चीज़ कि वर्क डन किस फोर्स के लिए निकालना है ये डिसाइड करना, दूसरी चीज़ कि इसमें दो तीन तरह के फोर्स वर्क डन आपको आए हैं, एक तो वर्क डन जीरो आया, एक निगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन का नेचर भी तीन तरह का होता है। क्या होता है बच्चा, वर्क डन का नेचर क्या होगा हमारा, तीन तरह का होगा, उन तीनों तरह के वर्क डन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक निगेटिव वर्क डन होगा, एक क्या होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, और एक क्या होगा जीरो वर्क डन होगा। और जीरो वर्क डन का एग्जांपल बेस्ट बताया मैंने कि आपको अब इस पर लगाओ धक्का, नो मूव नो वर्क डन इन फिजिक्स, बट नॉट इन द आपका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी को कहोगे वर्क डन नहीं किया तो कुटाई करेगा बढ़िया से, है ना, वो कूली वाला एग्जांपल है कि कूली सर पे रख के जाता है, नॉर्मल फोर्स तो इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, नॉर्मल फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वर्क डन बाई नॉर्मल कैलकुलेट करो कितना, जीरो। कूली कहोगे तुमने तो कोई काम ही नहीं किया यार, तो फिर तो
फिर तो क्या होगा वो आप ही जानते हो, है ना। ठीक, चलो उतार लो इसको। ठीक है, चलो जी, अब क्या करें। चलो इसको हटा, ये हो गया, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। इस एग्जांपल को अगर आप कर चुके होते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे। गर्मी बहुत लग रही है यार, तो नेचर स्कोप ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द वर्क कर दो, नेचर ऑफ द, इस सबसे मैंने क्या सीखा, नेचर ऑफ वर्क क्या है भाई, नेचर ऑफ वर्क। फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स क्या, ये 90 से जो है ना थीटा, 0 से थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच, तो हमेशा वर्क डन एफ इंटू एस ही आएगा, दैट इज पॉजिटिव आएगा। क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव, है ना। ये एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट इसी को बोलते ना, न्यून कोण, एक्यूट एंगल हो गया। तो आपको देखो कि जब भी हम लेते हैं ना ऐसा, आप ऐसे लेते हो ना, फोर्स हमारा ऐसा होता है यहाँ तक, मान लो अप टू 90 हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव वर्क डन आ जाता है। मतलब कॉस 90 को तो जीरो ही हो जाएगा, बिफोर मतलब लेस देन, इक्वल टू मत करो, लेस देन कर दो, जीरो से लेकर के लेस देन 90 तक, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, हमेशा एक्यूट एंगल में हमारे पास वर्क डन आएगा। और इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो एक हमारे पास वर्क डन क्या होगा, जीरो, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ये तो दूसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन था हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन हमारा क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, माइनस एफ एस हो रहा था ना, एफ एन टू एस में माइनस एफ एस हो रहा था। तो हम कह सकते हैं ना कि नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, जीरो वर्क डन हो सकता है, और पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तीन तरह के वर्क डन होता है, वर्क डन का नेचर यही है। अब वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि वर्क डन हमेशा जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों हो सकता है, डिपेंड करता है किस फोर्स के लिए आप ले रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक जो हमारा आता है, इसके बाद हमारे पास आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जब तक आप इस